एआई आधारित कौन सा डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक जो है अभी दोस्तों हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, देखिए अभी दोस्तों हाल ही में डब्ल्यूएचओ पूछ वहां से भाई साहब दोस्तों एआई का इतना सारा क्वेश्चन बन चुका है, मैं सारे क्वेश्चन आज लेकर आया हूं ना। एआई के अब तक 11 सवाल बने, जो एआई उसके 11 सवाल बने अभी तक, वो 11 सवाल मैं आपको लिखाने वाला हूं इस सवाल के अंदर। ठीक है, देखना तो डब्ल्यूएचओ है, पहली बात तो आप जानते हो स्थापना कब होती है इसकी, 7 अप्रैल को इसकी स्थापना होती है 48 के अंदर ना। मुख्यालय कहां इसका, जिनेवा में इसका मुख्यालय हो गया है, स्विट्जरलैंड के अंदर मुख्यालय है ना। और कौन इसका हेड है, टेड्रोस साहब इसका हेड है, ये तो आप भलीभांति जानते हो। ठीक है, अभी दोस्तों हाल में अभी हाल में स्थापना अभी हाल में इसने आपके एक डिजिटल टकर आपके एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक लॉन्च किया। ठीक है, एक डिजिटल स्वास्थ्य जो आपके प्रवर्तक जो है अभी दोस्तों लॉन्च किया है, जो कि आपके एआई आधारित आपको छापना है। ठीक है, तो अभी हाल में इसने डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक आपके प्रवर्तक मतलब पूछो आपसे मतलब हेल्थ को करने वाला, हेल्थ को प्रमोट करने वाला। ठीक है, हेल्थ को आपके आपको हेल्थ को प्रमोट करने वाला जो है वो हो गया आपके डिजिटल स्वास्थ्य प्रवर्तक। ठीक है, मतलब ऑनलाइन आपको जो हेल्थ है अपने हेल्थ के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपनी हेल्थ की सारी टेस्टिंग आपके पास होनी चाहिए, डेटा आपके पास होने चाहिए। तो हेल्थ को प्रमोट करने वाला आपके एक प्रवर्तक लॉन्च हुआ है, और जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं, जब मशीन मानव की तरह व्यवहार करे आपके तो उसे बोलते हैं एआई। ठीक है, तो एआई आधारित होने वाला है, उसका नाम क्या है, इसका नाम आपकी छापना, इसका नाम क्या है, शारा, इसका नाम क्या है, शारा, इसका नाम है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या नाम इसका, शारा इसका नाम है। देखो इसकी फुल फॉर्म जो है ना, जो इसका नाम वो क्या है, SARA है ना, सब में डॉट है, सब देखो यहां पर देखो आपके इसकी फुल फॉर्म हो भाई साहब, तुम तो पहले ये देखो, छोड़ो भाई साहब, सारा भाभी तुम्हारे सामने है, देख लो भाई साहब, सारा भाभी जो है धोखा मत खाना दोस्तों, ये एआई है ना। ये दोस्तों वही वाली बात हो रही है आपके कि आपसे जो बात कर रहा है फेसबुक पे जो आपसे बात कर रहा हूं उसने अपना नाम सारा लिखा हुआ है, और अंदर कौन सा, अंदर आपके शाहरुख खान निकला ना, अंदर जो है वो शाहरुख निकल गया, वो वाला सिस्टम आपके सामने यहां पर है। धोखा मत खाना दोस्तों, ये एआई है ना, ये ओरिजिनल नहीं है, एआई रसगुल्ला का है, एआई तो मशीन नहीं है ना, मशीन से प्यार नहीं कर रहा आपको। ठीक है, ये सारा दोस्तों ना, देखो इसकी ये नाम जो है इसका वो ये है ना, SARA ना, ये हर पॉइंट जो आपके सामने, ये हर शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, ये सारा इसकी शॉर्ट फॉर्म है, यहां पर लिखा हुआ है स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंस फॉर हेल्थ जो है, ये आपके सारा बनने वाला है। ठीक है, SARA आपके बनने वाला है, स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंस फॉर हेल्थ जो है वो बनने वाला है। भाई साहब दोस्तों मैं तो यही सोच रहा हूं, हे भगवान, हे जगन्नाथ दीनानाथ, ये क्या हुआ, अगर दोस्तों मैं यहां पर ना लिखूं ना इनको तो आपको पल्ले ना पड़े दोस्तों, ये सारा कौन है ना, ये सारा कौन है, पर दोस्तों एआई रसगुल्ला का, एआई है आपके, मतलब ऐसा इनको इसलिए बनाया जैसे आप पढ़ सको ना, वरना पढ़ोगे नहीं दोस्तों आप, वरना क्यों आप हेल्थ, अब तो अब जो है अब इनको देखकर आपका हेल्थ मोटिवेट होगा अपने आप। ठीक है, तो ये हेल्थ को प्रमोट करने वाली है सारा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए आप जो है, इसकी फुल फॉर्म लिख लीजिए, लिख लीजिए सारा जो है, खांगे सारा जो हमारी लिखिए आपके, सारा की फुल फॉर्म यहां पर लिखिए, देखो यहां पर लिखिए ना, स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंट फॉर हेल्थ। ठीक है, तो लिखिएगा स्मार्ट पूछो आपसे एआई रिसोर्स, स्मार्ट एआई रिसोर्स असिस्टेंस फॉर हेल्थ जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। तो इसमें लिख लो आप जो है, ऐसे लिख लो इसमें SARA जो है वो आपके इसे शॉर्ट फॉर्म में सारा बोलते हैं इसको, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सारा ठीक आंसर इसका, अभी हाल ही में WHO ने लॉन्च किया है, ये आपको नोट करना है, सारा फोटो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इरा का नाम सुना है आपने, याद करो इरा जो आपके, इरा पूछूं आपसे, इरा मैंने कहा था आपके एआई आधारित पहली इंडियन फिल्म कौन सी है, फर्स्ट इंडियन फिल्म कौन सी है, वो आपके इरा दोस्तों, इसमें जो एआई है दोस्तों, इसकी आपकी जो समस्या जो है उनको इसमें दिखाया गया। ठीक है, अभी हाल में ट्रेलर लॉन्च हुआ इस फिल्म का, ये भी आपको नोट करना, इरा नाम इसका ना। अब मीका पूछूं आपसे, वर्ल्ड का पहला एआई सीईओ कौन सा आपके, वो मीका बनाया। ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट आपके एआई सीईओ कौन सा कंपनी का, मीका बनाया ना। सोफिया पूछो कौन आपके छापना, अरे सोफिया, तो सोफिया कौन आपके, सोफिया फर्स्ट आपके, फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट कौन आपके छापना, वो सोफिया। ठीक है, तो फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट कौन आपके, वो सोफिया, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, सोफिया आपको याद करना है, सोफिया है सऊदी अरब के अंदर। ठीक है, देविका पूछो आपसे, याद करो पहली एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन आपके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर भारत कौन छापना, वो है हमारी देविका। ठीक है, तो भारत की फर्स्ट एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है, देविका है, ये मैंने कल ही आपको लिखवाया था ना। तो इरा एआई इंडियन फिल्म हो गई, मीका एक सीईओ हो गए, सोफिया पूछो आपसे, फर्स्ट ह्यूमनॉइड आपके रोबोट हो गया, देविका फर्स्ट एआई आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया देविका, नोट करना। डैनियल पूछो आपसे, यूएसए का आपके फर्स्ट क्या है, फर्स्ट एआई का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, तो एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूएसए में कौन हो गया आपके, वो डैनियल हो गया छापना, ये भी मैंने कल लिखवाया था आपको। इसके अलावा अलीसा पूछूं आपसे, फर्स्ट क्षेत्रीय न्यूज एंकर पूछूं आपसे, फर्स्ट क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर कौन आपके, वो लिशा हो गई, और मैंने आपसे कहा दोस्तों याद कीजिएगा आपके, ये ओडिशा के अंदर आपके न्यूज एंकर है, रीजनल न्यूज एंकर है, इनका नाम लिशा है। ठीक है, और आयरिस पूछूं आपसे, ये फर्स्ट एआई क्या हो चुका है, फर्स्ट एआई टीचर हो चुका है आयरिस, ये आपको छाप रहा है। ठीक है, हर चीज दोस्तों एआई से बन सकती है ना, टीचर बन सकता है, फिल्म बन सकती है, इंजीनियर बन सकता है, पर रसगुल्ला नहीं बन पाएगा एआई से आपके, वो तो रसगुल्ला पर रसगुल्ला ही होगा। ठीक है, तो फर्स्ट एआई टीचर कौन आपके, आयरिस है, केरल के अंदर बिहार में लॉन्च हुए हैं, और फर्स्ट एआई जो स्कूल है ना वो भी यहीं पर लॉन्च हुआ है, वो भी कहां पर आपके, वो भी केरल के अंदर लॉन्च हुआ, फर्स्ट एआई स्कूल। ये सारे सवाल आपको ध्यान रखने, ठीक है, एआई 24 के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत सरकार अपना पहला वाणिज्यिक कच्चे तेल का